निष्पर शासन फिर अनुशासन। मेरी पीढ़ी के लोगों का अनुशासन नामक शब्द से सार्थक परिचय 1975-76 के दरमियान हुआ था। तब हम लोग बच्चे ही थे, लेकिन अनुशासन का शोर बहुत था। सारा देश अनुशासित हो गया था। वह दौर था आपातकाल का, यानी इमरजेंसी का। यह शब्द इसलिए याद आ गया क्योंकि अभी भले ही आपातकाल न हो, कोरोना जनित आफत काल तो है ही। उस समय अनुशासन शासन द्वारा लादा गया था। उस वक्त संत विनोबा ने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहकर मौन धारण कर लिया था। एक नारा हम बच्चों से अनिवार्य रूप से लगाया जाता था कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देश महान बना भी था। आपातकाल खत्म होने और आफतकाल प्रारंभ होने के बीच अनुशासन को हमने तार तार होते देखा है। 4 मई को लोगों की चीर संचित अभिलाषा पूरी हो गई। हौले हौले लॉकडाउन खुला और धड़ल्ले से शराब की दुकानें, ठेकों के सामने लगा मेला सरकार के खजाने को भले ही भर देगा, पर जो लोग लॉकडाउन के अनुशासन का पालन कर रहे हैं उनके मन में डर भी भर गया है कि इस मेले में खुदा न खास्ता कोई COVID-19 का पॉजिटिव घुस गया तब क्या होगा। सरकार किस किस की ट्रेवलिंग हिस्ट्री खंगालती रहेगी। अब तो देश में रिकॉर्ड तोड़ पॉजिटिव हो चुके हैं। तब सरकारों को साफ समझ लेना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता करोड़ों लोगों की जिंदगी हो या चंद लाख मदिरा प्रेमी। ये जो खजाना भरने का फितूर है वह मत्था ठोकने का सबब न बन जाए। हालांकि बिलासपुर रेंज के IG दीपांशु काबरा ने एक फोटो ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि एक पर्सनल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरा बनाया गया है। शराब दुकान खुलवाने के लिए बेसब्र सरकार ने सही होमवर्क नहीं किया। केंद्र सरकार पर लॉकडाउन के लिए गरियाने वाले जरा सोच लें कि शराब की कमाई से पहले उन्होंने क्या तैयारी की थी। मजे की बात है कि ऐसे लोग केंद्र सरकार को कोस रहे हैं और उसकी गाइडलाइन की ही दुहाई दे रहे हैं। शराब का मामला राज्यों के अधीन होता है, लिहाजा उन्हें स्वविवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए था। आलम तो यह है कि जिन पर अवैध कारोबार पर रोक लगाने की जिम्मेदारी है वे शराब की तस्करी में लिप्त हैं। शराबबंदी का नारा लगाने वाले तस्करी करते मुंगेली में भी पकड़े जाते हैं और हरियाणा में भी। अभी भारत में कोरोना अपनी चरम पर नहीं आया है और उधर लॉकडाउन ने देश के अर्थतंत्र को तहस नहस कर रखा है। बेरोजगारी और महंगाई सरकारों के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनने जा रही है। सिर्फ उद्योगों से और कृषि के बलबूते देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। निजी क्षेत्र के ठेले खोमचे वाले छोटे व्यापारियों और संस्थानों के लिए भी योजनाएं आवश्यक हैं। गन्ना रस, नाई धोबी, कुल्फी, चाट, मोची और पान की दुकानों के लिए क्या किसी सरकार के पास योजना है? इन छोटे धंधों से कितने पेट पलते हैं इसका अंदाज़ा नीतियां और योजनाएं बनाने वाले एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर लाखों रुपए वेतन लेने वाले जानते हैं। किसान की नुकसानी की सोच तो अच्छी है, पर देश में ऐसे भी लाखों किसान हैं जिनका घर पान की खेती पर टिका है। उनकी बर्बादी की फिक्र भी करे सरकार। इन दिनों पुलिस पर बहुत दबाव है। शराब बिक्री शुरू होने और लॉकडाउन खुलने के बाद निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की समस्या आने वाली है, यानी दबाव में चल रही पुलिस पर और दबाव बढ़ेगा, वारदातें बढ़ेंगी, ऐसी आशंकाएं भी हैं। इसके लिए पुलिस को अभी से पुख्ता योजना तैयार कर लेनी चाहिए। मोहल्लों में विशेष पुलिस का दायित्व नागरिकों को सौंपना चाहिए। वार्ड के पार्षद और पार्षद पद के उम्मीदवारों को शांति व्यवस्था का जिम्मा देना विकल्प हो सकता है। गाँवों में पंचों को भी सक्रिय करना चाहिए। खेती किसानी अब बस शुरू होने को है। ऐसे में किसानों को मजदूरों की कमी ना हो इसका उपाय सरकार तलाशे। मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों को खेतों में ही काम दिया जाना चाहिए। उन्हें नज़दीक ही काम मिलेगा और किसानों के सामने मजदूरों की समस्या भी नहीं रहेगी। सरकार को तो मनरेगा का बजट खर्च करना ही है। इसी बहाने किसानों का मजदूरों पर होने वाला खर्च बच जाएगा और बचत भी आमदनी ही है। कुल मिलाकर अब देश के सामने संकटों से उबरने का एक ही रास्ता है, अनुशासन का। चाहे वह फिजूल खर्ची पर रोक का वित्तीय अनुशासन हो या फिर
दारू दुकानों, सब्जी बाजारों में हो, साल भर के लिए हम अनुशासन के दायरे में जीना शुरू कर दें तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है, सिद्ध हो जाएगा। अणुव्रत के प्रवर्तक आचार्य महाप्रज्ञ का संदेश इन दोनों बड़े काम का हो सकता है, निष्प्रशासन फिर अनुशासन।